हेलो एंड वेलकम टू चैनल गाइज दिस इज़ द टेंथ लेक्चर ऑफ दिस सीरीज सो इन दिस सीरीज वी आर डिस्कसिंग सम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियसर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ सोशल वर्क सो जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो काइंडली आप इसका प्ले लिस्ट जाके विजिट करें और वहाँ पर नीयर अबाउट वन ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन हम लोग नौ वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं सो आप वहाँ जाके देख सकते हैं सभी वीडियो और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर वन थर्टी से सो लेट इट स्टार्ट सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज so society in sociological term is understood to mean अगर हम sociological term की बात करते हैं तो society को किस प्रकार से आप understand कर सकते हैं उसको क्या मतलब है first चार option दिए हैं first is a group of refined people uh, option B is an organization to undertake some constructive activities option C a uh, way of relationship and option D is association to the honor scholarship so इसका right answer है कि आप जो सोसाइटी होती है अगर आप सोशोलॉजिकल टर्म्स में देखते हैं तो उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसको बोल सकते हैं अ ऑफ रिलेशनशिप इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है ग्रुप ऑफ रीड फाइन पीपल्स अगर लोगों का एक ग्रुप होता है तो ज़रूरी नहीं है वो सोसाइटी हो सकता है उसमें डिफरेंट पीपल हों अलग अलग जगह से तो एक सोसाइटी को नहीं बनाते हैं बट आप ऑफ रिलेशनशिप रिश्ते ही एक समाज को बनाते हैं सोसाइटी को बनाते हैं सो सी ऑप्शन इज करेक्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन वन थर्टी वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोशल चेंज एज द कंसेप्ट सो सोशल चेंज हैज़ अ डायरेक्शंस सोशल चेंज इज अ कंट्रोल सोशल चेंज इज स्ट्रक्चर्ड और सोशल चेंज इज अ वैल्यू न्यूट्रल सो इसका राइट right आंसर है आई होप इसका आंसर आपने सोच लिया होगा सो सोशल चेंज इज़ अ वैल्यू न्यूट्रल जब भी हम बात करेंगे सोशल चेंज को अगर ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट को तो सोशल चेंज हमेशा एक वैल्यू न्यूट्रल होता है और ये इसका ऑप्शन नंबर डी सही है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वन थर्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग इसमें बेसिकली इस क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस प्रकार से हमारी जो सोसाइटी है इमर्ज हुई है और चेंजेस जो आए हैं तो उनको एवोल्यूशनरी ऑर्डर में लगाना है कौन सी ट्राइब मतलब कौन सी सोसाइटी पहले आई कौन सी बाद में तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आई होप इसका आंसर आपने सोच लिया होगा सो so इसका फर्स्ट ऑप्शन ट्राइबल रूरल अर्बन सेकंड ऑप्शन ट्राइबल अर्बन रूरल सो so, आई थिंक आपका आपका इसका आंसर आपको पता होगा फर्स्ट ट्राइबल होगा नेक्स्ट रूरल ग्रामीण में फिर उसके बाद अर्बन में सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट नाउ क्वेश्चन नंबर वन थर्टी थ्री पिछर दंग डज नॉट फीचर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताना है कि हमारे भारतीय संविधान में ये चार ऑप्शन दिए हैं ये कौन सा फीचर नहीं है हमारे भारतीय संविधान का क्या हमारा भारतीय संविधान फेडरल स्ट्रक्चर है उसका सो ये सही है आ, ये इट इज़ द यूनिटरी गवर्नमेंट इट इज़ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी ये भी सही है ऑप्शन सी ऑप्शन डी दिया है कि जो फंडामेंटल राइट हैं और सिटीजन जो हैं उनको दिए गए हैं ये भी सही है सो ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट इनकरेक्ट है और यही इसमें आपको बताना है कि विच इज नॉट अ फीचर ऑफ सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट नैक्स्ट क्वेश्चन इज वन थर्टी फोर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया इज करेक्ट बाई आपको बताना है कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है हमारे देश में और किस प्रकार से ये इसको आप कक्सटाइज कर सकते हैं सो so, इज जब प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन सेफ्टी नियर नेट्स और लिबलाइजेशन तो आपको पता है कि जो हमारे देश में जब एल पी जी रिफॉर्म्स आए थे उसी के माध्यम से ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी को हमारे देश में उसको कैक्टाइज किया गया था सो so, इसके ये बी एंड डी एल पी जी रिफॉर्म्स जो थे एल एलमिन लिबलाइजेशन पी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन सो so, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट नाउ वन थर्टी फाइव आपको यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करना है इसमें दो लिस्ट दी है लिस्ट वन लिस्ट टू लिस्ट वन में कुछ थेरेपी के नाम दिए गए हैं किस पर अलग अलग टाइप दिए गए हैं और उस, उसके प्रोमेंट प्रोपोनेंट में किसके द्वारा वो थेरेपी को दी गई है किसके द्वारा उसके बारे में बताया गया तो आपको इसको मैच कराना है फर्स्ट में दिया गया क्लाइंट सेंटर थेरेपी और इसमें आपके अलॉन्ग विथ कुछ प्रोपोनेंट दिए गए हैं जैसे विलियम ग्लेसर कार्ल्स रोजर्स जोसेफ वोल्फ और एरेक तो इस बताने आपको इसका कौन सा आंसर सही है 135 का क्वेश्चन से। और सेकंड इसमें दिया है ये बिहेवियर थेरेपी और थर्ड दी है ट्रांजेक्शन एनालिसिस और दी दर थेरेपी सो इसका आपको बताने है कौन सा सही है सो आपका जो, जो क्लाइंट सेंटर थेरेपी होती है दैट इज गिवेन कार्ल रोजर एंड बिहेवियर थेरेपी विच इज गिवन जोसेफ दोल्फ एंड दी ट्रांजेक्शन एलिसिस थ्योरी विच इज गिवन बाई द आर एक्ट बैंटी एंड रियलिटी थेरेपी विच इज गिवन बाई द बिलिंग्लेसियर सो इसका आप मैच करा सकते हैं फर्स्ट का सेकंड से फर्स्ट का सेकंड केवल फर्स्ट में ही है तो आप अगर आपको एक का भी पता है एक किसी एक थेरेपी के बारे में तो आप उसको करेक्ट करा सकते हैं जैसे इस इसमें फर्स्ट का फर्स्ट ही ऑप्शन सही है इसका नौ द नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दो लिस्ट दी हैं लिस्ट वन लिस्ट टू आपको ये पेयर प्या, कराना है आपको इसके जो लेवल ऑफ द इंटरवेंशन दिया है और दूसरे साइड में दिया है एक्शन ऑफ द सोशल वर्कर्स और किस प्रकार से इंटरवेंशन में किस प्रकार के जो सोशल वर्क होता है उसका किस प्रकार का एक्शन होता है जैसे कि अगर माइक्रो लेवल की बात करते हैं तो इसमें जो सोशल वर्कर्स होते हैं किस प्रकार के एक्शन लेते हैं ये बताना है आपको तीन लेवल है माइक्रो लेवल माइक्रो लेवल और मीज़ो लेवल और इनके सोशल वर्कर के जो एक्शंस होते हैं वो अलग अलग लेवल में अलग अलग होते हैं जैसे माइक्रो लेवल की बात करते हैं तो ये बेसिकली डील विद द डिसेबल्ड चाइल्ड एंड द मीज़ो लेवल म्यूज आपका वर्क करता है उसका ये माइक्रो लेवल जो सबसे है तो इसको बोल सकते हैं ये जो आएगा वर्किंग विद दी पंचायत फॉर वाटर हार्वेस्टिंग और जो म्यूजर लेवल होगा वो आएगा वर्किंग विद द सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ अ कैंसर पेशेंट जो कैंसर पेशेंट का अगर एस एच ग्रुप की बात करते हैं तो वहाँ पर डील करेगा जो मीज म्यूज लेवल होगा वहाँ पर सोशल वर्कर काम करेंगे इसके लिए सो तो बी का होगा आपका थर्ड यहाँ तो पर आप देख सकते हैं कौन सा इसका आंसर सही होगा यहाँ पर बी का थर्ड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नौ क्वेश्चन नंबर वन थर्टी सेवन में पूछा गया है कि चार ऑप्शन दिए हैं बताना है कि जो गसल्ट सिस्टम ऑफ थ्योरी दी गई थी थेरेपी दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी ये जो थ्योरी थी किसके द्वारा दी गई सी आर रोजर्स के द्वारा सीगमेंट फ्रॉड के द्वारा या एप्पल फल्स और लॉरा पीपल्स के द्वारा या डी ऑप्शन डी दिया है बी एफ स्कैनर के द्वारा सो आई होप इसका आंसर आपने सोच लिया होगा वन थर्टी सेवन का क्या आंसर है ये जो सिस्टम ऑफ थेरेपी गिवन बाय दी एफ एस फॉल्स एंड लॉरा पीपल्स सो राइट आंसर इज सी नेक्स्ट क्वेश्चन एट पुर लॉ एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर आपको बताना है कि जो एलजबेथिन पुअर लॉ आया था वो किस साल में इनेक्ट किया गया था लॉ ये ये वाला क्वेश्चन हमने आई थिंक इसको पहले भी डिस्कस किया है तो इसका राइट right आंसर है सिक्सटीन जीरो वन नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन वन थर्टी नाइन वन थ्री थर्टी नाइन पूछा गया है कि जो बारह सौ पंद्रह में इंग्लैंड uh, में जो मैंगना कार्टा एक्ट लाया गया था ह्यूमन राइट्स के लिए तो बताना है किसके लिए लाया गया था किस कैटेगरी के लिए बैगर्स के लिए प्रिवलेज क्लास के लिए या ऑर्फन्स के लिए या सभी के लिए लाया गया था तो वन थर्टी नाइन इसमें जो बारह सौ पंद्रह में जो मैंगना में कार्टा एक्ट आया था इंग्लैंड में ये बेसिकली जो प्रिवलेज क्लास थी ये उनके लिए लाया गया था सो राइट ऑप्शन इज बी नाउ वन फोर्टी क्वेश्चन द बुक सोशल डायग्नोसिस वाज रिटन बाय दी अब इसमें से कुछ क्वेश्चन है बुक्स के बारे में कि कौन से थिंकर ने किसके द्वारा ये कौन सी बुक लिखी गई तो इम्पोर्टेंट कुछ बुक्स के नाम है और कौन थिंकर के नाम है यहाँ पर मेंशन है कुछ क्वेश्चंस में तो आप उसको अलग से राइट डाउन कर सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं सो वन फोर्टी में पूछा गया कि जो सोशल डायग्नोसिस ये जो बुक थी किसके द्वारा लिखी गई थी तो ये जो बुक लिखी गई थी मैरी रिचमंड के द्वारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी वन में पूछा गया है कि फर्स्ट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी वाज इस्टिश इन बिच ईयर्स पहली जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी थी किस ईयर में इसको, इसको किया गया था सो so इसका राइट आंसर है एटीन फोर्टी सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन फोर्टी टू पहला यूनाइटेड स्टेट सेटलमेंट हाउस को किस साल में इसको किया गया था बनाया गया था एटीन एटी सिक्स में या एटीन एटी सेवन में नाइन्टी जीरो टू में और एटीन सेवनटी फोर में सो so, इसका राइट आंसर है अठारह सौ छियासी में पहला जो यू एस ए का यू एस यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड स्टेट सेटलमेंट हाउस बनाया गया था फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है ना वन फोर्टी थ्री क्वेश्चन नंबर अ न्यू कल्चरल ऑर्डर कॉल्ड दीन एलाही वॉज फाउंड इन इंडिया इंडिया में दीन एलाही -E का जो कल्चर लाया गया था किसके द्वारा अकबर के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा या यह आप जी बहादुर शाह जफर के द्वारा या किसी के द्वारा नहीं तो आई थिंक इसका आपने हिस्ट्री में ही पढ़ा होगा ये जो इसका सही आंसर है अकबर के द्वारा दीन दीनलाई लाया गया था वन फोर्टी फोर क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है कि एक बुक का नाम है पेपर्स ऑफ सोशल वर्क एन इंडियन परस्पेक्टिव ये किसके द्वारा लिखी गई थी तो इसका राइट right आंसर है आई होप इसका आंसर आपने सोच लिया होगा सो राइट आंसर इज जी आर बनर्जी के द्वारा ये लिखी गई थी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ दथर ऑफ द बुक सोशल ग्रुप वर्क हेल्पिंग प्रोसेस ये जो सोशल ग्रुप वर्क हेल्पिंग प्रोसेस ये बुक किसके द्वारा लिखी गई कौन ऑथर है इसके uh, चार ऑप्शन दिए हैं इसमें आपको बताना है कौन सा राइट ऑप्शन है सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी आपका जी जी कोनापका के द्वारा ये जो बुक लिखी गई थी ये उसके ऑथर थे वन फोर्टी सिक्स क्वेश्चन में पूछा गया है कि सोशल केस वर्क प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस ये जो है ये इसके ऑथर कौन है इस बुक के सो वन फोर्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर है एच एच पार्लिमान के द्वारा ये जो बुक लिखी गई थी सोशल केस वर्क के बारे में ये इम्पोर्टेंट uh, ये बुक है इसको आप, आप किसी इसमें जितने भी बुक्स के बारे में मैंने ब, बताया है उनके जो ऑथर हैं उनको आप अलग से लिख सकते हैं और उसको याद करने के लिए तो वन फोर्टी सेवन क्वेश्चन नंबर हुई इज द ऑथर ऑफ द बुक इसमें एक और बुक का नाम है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ये जो बुक थी इसके ऑथर कौन है एच एस पार्लिमैन एम जी रोज मैरी रिचवेंड और जी कोनाप का सो इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी वन फोर्टी सेवन का एम जी रोज के द्वारा ये बुक लिखी गई थी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नाउ क्वेश्चन नंबर वन फोर्टी एट हु इज द बुक इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल वर्क आ, ये जो बुक किसके द्वारा लिखी गई थी फोर्टी तो एट में ये जो क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड एंड ठाकरे के द्वारा एम जी रोज के द्वारा मैर और जी कोनोपका के द्वारा लिखी गई तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट किमोड और ठाकरे के द्वारा ये जो इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क बुक लिखी गई थी नक्स्ट क्वेश्चन वन फोर्टी नाइन इसमें पूछा गया कि सोशल वर्क कुछ गोल होते हैं उनमें से बताना है चार ऑप्शन दिए कि इनमें से कौन सा गोल है सोशल वर्क का सोशल टेंशन को कम करना या सभी के लिए सर्विस प्रोवाइड कराना या फिर सोशल जस्टिस को इंश्योर करना प्रोवाइड कराना और एलिट फैमिली जो एलिट क्लास होती है उनको सर्विस देना तब तो अब कोर्स ऑप्शन डी तो हो होगा ही नहीं देन इसके बाद इसमें जो लिखा है सोशल टेंशन को कम करना ये इसका गोल नहीं है इसका एक काम होता है बट इसमें अगर चार ऑप्शन में देखें तो जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी ये सोशल जस्टिस को इंश्योर करना उसको प्रोवाइड कराना क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी में पूछा गया कि जो सत्य शोधक समाज किसके द्वारा फांड की गई थी किसके द्वारा बनाई गई थी तो ऑप्शन नंबर डी तो गलत ही हो जाएगा क्योंकि इसको तो हिस्ट्री में पढ़ा था तो ये होगा नहीं बी आर अम्बेडकर के द्वारा भी नहीं बनाया गया था अगर इन दोनों की बात करें तो इसमें कौन थे ज्योतिबा फलो के द्वारा इसको बनाया गया था वन वन की बात करें क्वेश्चन नंबर तो इसमें पूछा गया है कि ये सोशल लेजिस्लेशन की बात करें तो बताने में से कौन सा नहीं है सिविल राइट एक्ट को प्रोटेक्ट करना या बैगर्स एक्ट या जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट तो अगर हम इसमें बात करते हैं सोशल लेजिस्लेशन की तो इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये ऑफकोर्स इसका पार्ट नहीं होगा सो तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट यही करेक्ट होगा इसका क्योंकि इसमें नॉट पूछा गया है नैक्स्ट क्वेश्चन बैंक फिफ्टी टू द ओल्डेस्ट सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन इन इंडिया हमारे भारत में सबसे पुराना जो सोशल सिक्योरिटी लेजिशन था उन्हें है कौन सा है एम्प्लॉ कंपनसेशन एक्ट या प्रोविडेंट फंड एक्ट या मटर्निटी बेनिफिट एक्ट ऑप्शन नंबर डी दिया है पेमेंट ऑफ ग्रेचुरेट एक्ट तो आप इसको देख सकते हैं जो एम्प्लॉ कंपनसेशन एक्ट जो आया था ये आपका नाइनटीन ट्वेंटी थ्री में आया था प्रोविडेंट फंड एक्ट आया था आपका नाइनटीन फिफ्टी टू में और मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट जो आया था ये आपका नाइनटीन सिक्सटी वन में आया था और पेमेंट ऑफ ग्रेजुएट एक्ट नाइनटीन सेवनटी टू में आया था तो सबसे जो पुराना है वो उप फर्स्ट ऑप्शन जो है एम्प्लॉय एक्ट नाइनटीन ट्वेंटी थ्री वाला बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल पॉलिसी इन इंडिया हमारे देश में सोशल पॉलिसी करने से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है इक्वालिटी सोशल जस्टिस इंक्लूसिव ग्रोथ और पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर डी ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशल पॉलिसी इन इंडिया क्वेश्चन वन फिफ्टी फोर फील्ड वर्क बेस्ट अप्रोच इज क्लासीफाइड एज जो फील्ड वर्क बेस्ट अप्रोच होती है उसको किस प्रकार से आप क्लासिफाइड कर सकते हैं चार ऑप्शन दिए इट इज़ अ एम्पेरिकल बेस्ट और हिस्टोरिकल और इट इज़ अ एक्सपेरिमेंटल बेस्ट और इट इज़ अ बायोग्राफिकल मीन्स ऑफकोर्स इसका राइट आंसर है फर्स्ट एम्पेरिकल ये एम्पेरिकल बेस्ट होती है एम्पेरिकल का मतलब होता है जो आपकी व्यवहारत्मक या जो प्रैक्टिकल होती है जो उसके पर होती फील्ड वर्क बेस्ट अप्रोच सो ऑप्शन नंबर वन फिफ्टी फाइव वो हु फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल एक्टिविस्ट बताना है इनमें से कौन सा सोशल एक्टिविस्ट नहीं है अरुंधति रॉय सी इज अ सोशल एक्टिविस्ट मेरा पाटकर भी, है और भी हैं और नजारे भी थे हैं और ऑप्शन नंबर सी जो दिया है डॉक्टर पी कुलकर्णी ये नहीं है तो उसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन वन फिफ्टी सिक्स टू टोल फ्री नंबर वन जीरो नाइन एट रिलेटेड टू बताना है आपको जो टोल फ्री नंबर दिया है वन जीरो नाइन एट ये किससे रिलेटेड है महिलाओं के हेल्प के लिए बच्चों के लिए या पुलिस हेल्पलाइन नंबर है या इनमें से कोई नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा आपका चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज वन फिफ्टी सेवन सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश बाई सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके एम के गांधी स्वामी दयानंद सरस्वती रामकृष्ण परमहंस और गोपाल कृष्ण गोखले सो so, इसका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले जी के गोखले के द्वारा ये इस्टेब्लिश इस की गई थी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी सो so, ये थे क्वेश्चन वन फिफ्टी सेवन तक आ, इस वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किए सो so, इस वीडियो में इतना ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन फॉर टुडे